तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने थंबनेल के लिए शाइनिंग टेक्स्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तीन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस पहला है पिक्सल लैब, और दूसरा है ये PSCC, और तीसरा है बैकग्राउंड इरेजर। और गाइस आपको एक ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो हम टेक्स्ट बनाएंगे उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है। सिर्फ अगर हमारा टेक्स्ट दिखेगा तभी उसमें साइन आएगा। तो गाइस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ज़रूरी है, और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बैकग्राउंड इरेजर से उसके जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट बना देंगे। तो गाइस सबसे पहले हम अपना ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लेकर उस पर फॉन्ट अपना तब बना लेते हैं। और जिसके पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं होगा, कोई बात नहीं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा बैकग्राउंड इरेजर, मैं आपको उसमें बता दूंगा आगे कि आप कैसे उसमें भी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अपने पिक्सल लैब में, वहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखते हैं। तो आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है आप वो टेक्स्ट लिख सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे शाइनिंग टेक्स्ट लिख के आपको बता रहा हूँ। और मेक श्योर गाइस जो आपका टेक्स्ट है वो वाइट कलर का होना चाहिए, तभी आप उस पर कोई भी कलर दे सकते हो। तो आप इसमें से अपना वाइट कलर चूज़ करके उसको वाइट कलर कर देना। और गाइस अपना टेक्स्ट लिखने के बाद आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो गाइस आप कलर्स में जाके अपने टेक्स्ट का जो मतलब कलर है उसको वाइट कर सकते हैं। फिर गाइस क्या करना है कि जो आपका मतलब ये टेक्स्ट है ना, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। और गाइस अगर आपने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड यूज़ किया है तो उसका जो फॉर्मेट है वो PNG ही सेट करना है, और डायमेंशन अल्ट्रा पर सेट करके इसको एक्सपोर्ट कर देना है। तो सिंपली गाइस ये आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। और गाइस अब बात करते हैं कि जिन लोगों के पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है तो वो भाई कैसे अपना बना सकते हैं फॉन्ट। तो गाइस देखो मेरे पास इस वक्त ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं क्या किया, मैंने सीधा ये पिक्सल लैब खोला और इसमें अपना जो कलर है वो ब्लैक चूज़ कर लिया। फिर आपको अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो मैं वही लिख रहा हूँ शाइनिंग टेक्स्ट। फिर लिखने के बाद फिर गाइस आपको इस टेक्स्ट का जो कलर है वाइट चूज़ करना है, तो वाइट हमारा पहले से ही है। फिर अपना फॉन्ट लगा देना है इसमें जो आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर फॉन्ट यूज़ करने के बाद सीधे सीधे आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है। फिर गाइस जाना है आपको अपने बैकग्राउंड इरेजर में। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर लोड अ फोटो का ऑप्शन है, इस पर टैप करके आपको अपना फोटो जो है इसको इंपोर्ट कर लेना है। फिर इंपोर्ट करने के बाद आपको एक ऑटो का बटन मिलेगा, उस पर टैप करके अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। तो गाइस आप जहाँ जहाँ ब्लैक कलर है वहाँ आप ले जाकर इसको छोड़ दीजिएगा, ये ब्लैक कलर रिमूव कर देगा। फिर आपको इसमें इसको सेव कर लेना है यहाँ से। फिर सेव करने के बाद जो हमारा बैकग्राउंड एकदम ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो गाइस अब आपको जाना है अपने PSCC में, क्योंकि हम वहीं पे इसका ग्लो देंगे। PSCC में जाने के बाद आपको फ़ोटो लाइब्रेरी में जाकर जो अपना ये टेक्स्ट है इसको चूज़ कर लेना है। फिर टेक्स्ट को इसमें ऐड करने के बाद क्या करना है, आपको एक एम्प्टी लेयर को ऐड करना है। एम्प्टी लेयर ऐड करने के बाद गाइस इस लेयर का आपको कलर ब्लैक कर देना है। तो फिल एंड स्ट्रोक में जाकर हम इसका कलर ब्लैक कर देंगे। फिर जो हमारा ये नीचे टेक्स्ट है इसको ऊपर ला देंगे। फिर ऊपर लाने के बाद गाइस आपको क्या करना है, जो आपको बटन दिख रहा है उस पर टैप करके सेलेक्ट पिक्सल करना है। फिर आप एंड के बटन पर क्लिक करके ग्रेडियंट में जाके इसका ग्रेडियंट दे सकते हो। तो गाइस फिर आपको जाना है लास्ट के थर्ड वाले ऑप्शन पे। तो गाइस लास्ट से जो थर्ड ऑप्शन है आपको उस पर टैप करना है। फिर उस पर टैप करने के बाद आपको ये जो बार है या फिर लाइन है इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। और गाइस आप ऐसे एडजस्ट करिएगा कि जो आपको थोड़ा सा ब्लैक कलर है ना वो थोड़ा हल्का सा बस टेक्स्ट पे आना चाहिए। अगर गाइस ब्लैक कलर हमारा नहीं आएगा तो हमारा टेक्स्ट में ग्लो भी नहीं आएगा। तो गाइस ब्लैक कलर ज़रूरी है। तो गाइस देखिए मैं जैसे एडजस्ट कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा देख के। और अगर आप एक बार एडजस्ट करना सीख गए तो गाइस अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं बार बार। तो देख सकते हो गाइस कि हमारा ग्रेडियंट हो चुका है। अब गाइस ग्रेडियंट देने के बाद हमें क्या करना है कि सेलेक्ट पिक्सल करना है और फिर इन्वर्स करना है। तो गाइस इन दोनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारा क्या होगा कि जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा ये पूरा बैकग्राउंड है, ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको इसको टैप करने के बाद एक एम्प्टी लेयर ऐड करना है। फिर एम्प्टी लेयर ऐड करने के बाद क्या करना है गाइज, उसको स्ट्रोक दे देना है ब्लैक कलर का। फिर गाइज स्ट्रोक देने के बाद आपको स्क्रीन पर टैप करना है, जिससे आपके ये सेलेक्ट पिक्सल और इन्वर्स हट जाएगा। फिर गाइज आपको ये इस वाले बटन पर टैप करके आपका जो फर्स्ट लेयर है ना उसको सेलेक्ट कर लेना है, जो मेरा सेलेक्ट है पहले से आप देख सकते हैं। फिर उसको सेलेक्ट करने के बाद फिर गाइज आपको क्या करना है कि आपको FX में जाना है। उसमें जाने के बाद आपको एक ग्लो का वो इफेक्ट मिलेगा, आपको उसको ऐड करना है। तो गाइस जिस कलर का आपका टेक्स्ट है उसी कलर को यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है। फिर चूज़ करने के बाद याद रहे कि आपकी इंटेंसिटी फुल होनी चाहिए। और गाइस फिर आप जैसे जैसे ब्लर को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे आपके ये टेक्स्ट में साइन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस आपको जिस पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप वो पॉइंट सेट कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पे 23 पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो मैं 23 सेट कर देता हूँ, और आपको जिस पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आप वो सेट कर दीजिएगा।
तो गाइज हो गया हमारा साइनिंग टेक्स्ट तैयार। फिर गाइज आपको इसको सेव कर लेना है और फिर सेव करने के बाद आपको इसको अपने गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सेव टू गैलरी पे करके और जो आपका प्रोजेक्ट है उसको सेलेक्ट करके आपको सेव कर लेना है। फिर गाइज सेव करने के बाद फिर हमें जाना है अपने बैकग्राउंड इरेजर में गाइज, क्योंकि ये जो हमारा है ना इसका बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि गाइज हमने वो ब्लैक कलर का स्ट्रोक ऐड किया था तो उससे जो है ना इसका ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हट जाता है। तो हमें जाके अपने बैकग्राउंड इरेजर में इसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना होगा। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो गाइज तो ये सेम प्रोसेस है, आपको अपने ऐप में जाना है, फिर लोड फोटो पर टैप करना है, फिर जो आपने फ़ोटो या फिर टेक्स्ट को इंपोर्ट किया था उसको टैप करना है, फिर सेलेक्ट करने के बाद फिर वही आपको ऑटो पे जाना है और जो आपका भी कलर है उस पर जाके इसको छोड़ देना तो आपके उस कलर को रिमूव कर देगा। तो वैसे देख सकते हैं हमारा एकदम क्लियरली ये रिमूव हो चुका है और हमारा जो है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो कैसे ये रहा हमारा साइनिंग टेस्ट जो तैयार हो चुका है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। अब कैसे आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और कैसे अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूँगा। तो गाइज थैंक यू एंड बाय बाय।